हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीए 2019 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है। जानकारी यह है कि एसएससी एमटीएस का आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी एसएससी के ऑफिशियल साइट पर 6 सितंबर 2019 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट की गई है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जल्दी से अपना आंसर की चेक करें, और आंसर की चेक करने के बाद कॉमेंट के द्वारा जानकारी जरूर दें कि आपके एसएससी एमटीएस के आंसर की में कितने मार्क्स सही हुए हैं, ताकि आप सभी को इसके माध्यम से आप सभी को सही कटअप की जानकारी दे सके। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का ऑप्शनल नोटिफिकेशन आज 6 सितंबर 2019 को एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में, जिसका एग्जाम 2019 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2/8/2019 से शुरू होकर 22/8/2019 तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, और एसएससी एमटीएस का आंसर की चेक करने के लिए आप लोग एसएससी के ऑफिशियल साइट पर यानी ssc.nic.in पर जाकर आप लोग एसएससी एमटीएस का आंसर की चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी रोल नंबर और पासवर्ड के द्वारा आप लोग एसएससी एमटीएस का आंसर की चेक कर सकते हैं, और लिंक एक्टिवेट की बात करें तो 6/9/2019 से लिंक एक्टिवेट होकर 11/9/2019 समय 6 PM तक एसएससी एमटीएस का आंसर की का लिंक एक्टिवेट रहेगा, जिसके माध्यम से आप लोग एसएससी एमटीएस का आंसर की चेक कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को आपत्ति लगती है तो आप लोग इसके लिए 100 रुपया फी देकर उस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर